हेलो गाइस, वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ऑलरेडी मैं बाकी की फॉर्म्स डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज या फिर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी हम लोग सबसे पहले इसका मीनिंग समझेंगे, मीनिंग के बाद हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन के बाद हम लोग इसके फीचर्स देखेंगे, एडवांटेजेस देखेंगे एंड देन डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बेसिकली एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है। देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी मेरा जो बनी है वो कोऑपरेशन वर्ड से बनी है। बेसिकली मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या करता हूँ, ये एक ऐसी सोसाइटी या एक ऐसा फॉर्म है जिसका मेन एम है टू डू द वेलफेयर ऑफ इट्स मेम्बर्स। वेलफेयर की बात आएगी, जब भी मैं कोऑपरेटिव की बात करूँगा मैं हमेशा वेलफेयर की करूँगा। जो मेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो हमेशा मेंबर्स मिलके बनाते हैं, मेंबर्स के लिए होती है एंड मेंबर्स ही उसको मैनेज करते हैं। ये एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है पर्संस की जिनका कोई एम है कुछ एकॉम्प्लिश करने का विथ म्यूचुअल कलेक्टिव एफर्ट के साथ, ठीक है, साथ ही साथ वेलफेयर भी करना। कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई भी 10 इंडिविजुअल वॉलेंट्री एसोसिएशन के साथ बना सकते हैं, जैसे कि पार्टनरशिप में 2 या 3 होते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव के लिए हम लोग 10 जने मिनिमम रखते हैं। पार्टनरशिप में 2 से 3 थे, मैक्सिमम 10 से 20 गए थे, 10 बैंकिंग में, 20 उसमें। कोऑपरेटिव में मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट ही 10 की आती है। जो मेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंडर रेगुलेट करी जाती है। उसके अलावा जितनी भी मेरी स्टेट रिलेटेड पॉलिसीज है कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर, जो मे बी स्टेट टू स्टेट डिफर करेगी, वो भी इनको रेगुलेट एंड ऑपरेट करती है, ठीक है। उसके अलावा अब हम लोग आगे चलते हैं, बेसिकली देखते हैं कि इसके टाइप्स वगैरह क्या है, जो कि कई बार एग्जाम्स में आए भी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइप्स हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कर सकते हैं कि लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो इसके जनरली 4-5 टाइप्स हैं, हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला हम लोगों का आता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। कंज्यूमर कोऑपरेटिव जैसे कि नाम में आ गया, कंज्यूमर के लिए बनाई गई। इसमें बेसिकली मेरे को अपने कंज्यूमर का वेलफेयर करना है। इसमें मेरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये एम करती है कि जो भी मेरा कंज्यूमर है उसे अच्छे गुड्स रीजनेबल प्राइसेस में मैं अवेलेबल करवा दूं, जैसे कि केंद्रीय भंडार दिल्ली में, अलका इन भुवनेश्वर, या फिर जो अन्ना थाली वगैरह हम साउथ में देखते हैं वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को या कंज्यूमर कोऑपरेटिव वगैरह को कह रहा हूँ, इनको हम कुछ हद तक जो हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह रन करती है, जो स्टेट गवर्नमेंट रन करती है ताकि लोगों को सस्ते दामों पे अच्छी चीज़ें मिल जाए, वो भी एक इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि बेसिकली वहाँ पे भी तो कंज्यूमर का वेलफेयर ही कर रहे हैं। तो एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव का एग्जाम्पल हो गया। दूसरी बात है जैसे कंज्यूमर के और वैसे प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव। अब प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव में क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग। इसमें बेसिकली जो मेरे स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, कि लाइक मे बी वो बड़े ब्रांड्स वगैरह के साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रहे, उनके वेलफेयर के लिए मैंने ये सोसाइटीज़ बनाई। इसमें जैसे कि मेरी अलग अलग आ जाएगी, जैसे कि हैंडलूम ओनर्स वगैरह ने एक छोटी सी सोसाइटी बना ली, वीवर्स ने बना ली, वो सारी चीज़ें। तीसरी हम लोगों की आती है मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स। मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स का सिर्फ एक काम है कि लाइक जो भी मेरे मिडलमैन वगैरह बीच में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से मेरी कॉस्टिंग वगैरह ज़्यादा जा रही थी एंड जो मेरे सेलर्स हैं उन्हें अच्छे से प्रॉफिट वगैरह नहीं मिल पा रहा था, उनको एलिमिनेट करना। बेसिकली मैं एक लंबी चेन बना लूँगा जिससे कि जो मेरा प्रोडक्ट है मैं उसको डायरेक्ट मार्केट कर पाऊँ एंड आगे तक बेच पाऊँ इस सोसाइटी के थ्रू, तो वो चीज़ आ जाएगी। उसके अलावा और भी एग्जाम्पल देख सकते हो। एक आ जाती है हमारी हाउसिंग कोऑपरेटिव। ये बेसिकली हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई अपने मेंबर्स के लिए। उसके अलावा हम लोगों की एक आई क्रेडिट कोऑपरेटिव। क्रेडिट कोऑपरेटिव जैसे कि नाम से पता लग गया, ये क्रेडिट प्रोवाइड करती है अपने मेंबर्स को। जैसे कि हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह भी आ जाते हैं, वो तो थोड़े बड़े स्केल पे हो गए, क्रेडिट कोऑपरेटिव थोड़ा छोटा वो हो गया। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद हम लोगों का अगला टॉपिक जो कि मेन टॉपिक है वो है अबाउट फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। फीचर्स आ जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, दोनों का मतलब सेम ही होता है, तो हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, जैसे कि मैंने डेफिनेशन एंड मीनिंग के टाइम भी बताया था, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वॉलेंट्री एसोसिएशन होना ज़रूरी है। इंडिविजुअल्स का जब तक कॉमन इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो जब तक एसोसिएट नहीं होंगे उस कॉमन इंटरेस्ट की वजह से वॉलेंटियरली, तब तक वो मेरी कोऑपरेटिव नहीं बन सकती। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वॉलेंट्री एसोसिएशन है। दूसरा, मेम्बरशिप।
भाई जिनका इंटरेस्ट आया वो सारे इसका पार्ट बने एंड इसके मेंबर अपने आप बन गए। उसके अलावा मेंबरशिप में एक चीज़ और लग सकते हो कि लाइक कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मिनिमम 10 मेंबर्स की तो रिक्वायरमेंट्स चाहिए ही चाहिए। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है बट मिनिमम 10 तो होने ही चाहिए। उसके बाद अगला फीचर हम लोगों का आता है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव जैसे कि मैंने बताया बेसिकली क्या है, वेलफेयर करना है लोगों का कि लाइक जो भी इसके मेंबर्स वगैरह है, जो भी टारगेट ऑडियंस है उसका, तो सर्विस मोटिव अपने आप उस चीज़ में आ जाएगा। बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि कौन सी बॉडी इसको रेगुलेट करेगी, तो जैसे कि मैंने बताया कॉर्पोरेट सोसाइटीज एक्ट, कॉपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंडर रजिस्टर होना मेरा कॉपरेटिव सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। वो रजिस्टर होगी तभी मेरी बॉडी उसको रेगुलेट कर सकती है, मैनेज कर सकती है, लाइक वो जितनी भी मेरी स्कीम्स वगैरह गवर्नमेंट के थ्रू आ रही है उसका एडवांटेज भी ले सकती है। उसके बगैर उसका एग्जिस्टेंस एटलीस्ट गवर्नमेंट नहीं मानेगी। उसके अलावा एक चीज़ और, अगर मेरी एक बार कॉपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर हो जाती है तो जितनी भी एडवांटेजेस मेरी जॉइंट स्टॉक कंपनी को मिलती है वो मेरी कॉपरेटिव सोसाइटी भी उठा सकती है। उसके अलावा एक और देख लेते हैं हम लोग, सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस। मेन सोर्स मेंबर्स ही देंगे एंड जितना भी वो देंगे वो शेयर कहलाता है। सारा मेरे पास फाइनेंस का सोर्सेस मेरे मेंबर्स के थ्रू ही आएगा। इसके बाद हम लोग अब आगे चलते हैं, इसकी हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। सबसे पहले एडवांटेजेस के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एडवांटेज, जैसे कि बाकियों में भी हमने पढ़ा, चाहे वो पार्टनरशिप था, सोल प्रोप्राइटरशिप था, इजी फॉर्मेशन, 10 बंदे लेके आओ, कॉमन इंटरेस्ट ढूंढो एंड आपकी सोसाइटी तैयार। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाना भी जरूरी है बट रजिस्ट्रेशन में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आराम से हो जाता है। दूसरा लिमिटेड लायबिलिटी, जितना मेरा शेयर है उतने के लिए ही मैं लायबल हूँ, उससे ज़्यादा के लिए मैं लायबल नहीं होगा। जबकि हमने पार्टनरशिप वगैरह, HUF वगैरह उन सब में देखा था अनलिमिटेड लायबिलिटी। तीसरा ओपन मेंबरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी में ज़्यादातर ओपन मेंबरशिप रहती है, कोई भी इंडिविजुअल आके मेंबर बन सकता है विथ कंसेंटिंग जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कहीं पे भी लॉ वगैरह में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसी को मेंबर बनने से रोके। चौथा स्टेट असिस्टेंस, एग्जेम्पशंस, कंसेशन, टैक्सेस वगैरह में छूट, काफ़ी चीज़ें मिल जाती है। जैसे कि काफ़ी जगह हम लोग देखते भी हैं, जितने भी हमारे बिजनेसमैन वगैरह होते हैं वो जानबूझ के कोऑपरेटिव सोसाइटी सेट करते हैं, बेसिकली अपने जो भी फंड्स हैं उनको मोबालाइज करने के लिए उस साइड एंड टैक्स बचाने के लिए। वो टैक्स इसलिए बचा पाते हैं क्योंकि स्टेट से काफ़ी सारे एग्जेम्पशंस वगैरह कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को मिल जाते हैं। पाँचवा मिडल मैन को ख़त्म कर देती है। भाई सोसाइटी बनी अपना ही फायदे के लिए काम कर रही है तो मिडल मैन की तो कहीं पर दरकार पड़ेगी ही नहीं, तो अपने आप हो गया। आखिरी वाइंडिंग अप देख लेते हैं। वाइंडिंग अप केस में डेथ के साथ मेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी ख़त्म नहीं होती बट इसकी काफ़ी स्टेबल लाइफ रहती है कि लाइक अगर किसी मेंबर वगैरह की हेड की डेथ भी हो जाए तो फिर भी ये आगे कंटिन्यू होगी, ये इसकी एक एडवांटेज है। इसके बाद हम लोग डिसएडवांटेजेस में चलते हैं। पहला लिमिटेड कैपिटल, जितने मेंबर्स होंगे मैं सिर्फ उतनी ही कैपिटल रेज कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा की मेरी हिम्मत नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में क्यों प्रॉब्लम आई भाई वो देखते हैं, समझते हैं। एक्चुअली सोसाइटी में जनरली लोगों में हम लोगों को मैनेजरियल टैलेंट नहीं मिलता, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में मे बी एसोसिएशन तो आ गई बट यू नीड समवन, कोई ऐसा चाहिए जो बेसिकली उन सबको मैनेज कर सके, गाइड कर सके, सारे डिसीजन ले सके। सबके पास ही मैनेजरियल एबिलिटी नहीं होती एंड क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व नहीं है तो मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती ही आती है। लैक ऑफ मोटिवेशन, भाई जो प्रॉफिट आएगा वो सारे मेंबर्स में बटेगा एंड दूसरी बात प्रॉफिट के लिए तो बनाई नहीं जाती कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो तो वेलफेयर के लिए, एंड प्रॉफिट नहीं मिलेगा तब तक मोटिवेशन कैसे आएगा। उसके बाद हम लोगों का आता है लैक ऑफ सीक्रेसी, कोई भी सीक्रेट्स वगैरह कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में नहीं रह पाते, या इसको मैं दूसरी तरीके से भी देखूँ कई बार कुछ ऐसे सीक्रेट्स रख लिए जाते हैं मेंबर से जो कि जनरली अच्छे नहीं होते हैं एंड आगे कॉन्फ्लिक्ट्स की शेप ले लेते हैं। आखिरी डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्योंकि मेरे पास फंड्स लिमिटेड है, कैपिटल लिमिटेड है, तो काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों के लिए मेरे को गवर्नमेंट पर डिपेंड होना पड़ता है जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। तो बेसिकली हम लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी समझा कि बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक 10 या उससे ज़्यादा लोगों का वॉलेंट्री एसोसिएशन है विद अ मोटिव ऑफ दी वेलफेयर ऑफ दी पीपल एंड इट्स मेंबर्स। हमने इसमें देखा कि इसके लाइक क्या क्या फीचर्स है, इसके क्या टाइप्स है, इसकी क्या एडवांटेज है एंड इसकी क्या डिसएडवांटेजेस है। एग्जाम में अब अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं प्रिटी श्योर हूँ कि आप लोग आराम से कर लेंगे। उसके अलावा भी अगर किसी की अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, ईमेल में डाल सकते हैं, या आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका
लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है एंड वहाँ पे भी आप हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. उसके अलावा डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप फॉलोइंग अस. थैंक यू. Thank you.